जहां एक ओर देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं कुछ निजी लैब संचालकों द्वारा कोरोना की आड़ में लूट मचाई हुई है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सिरसा जिले की, जहां बीते दिन डिप्टी सिविल सर्जन की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सांगवान चौक के निकट स्थित निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जाँच किए जाने की शिकायत मिलने पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान कई कोविड सैंपल्स बरामद किए गए। डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्पलेट्स बंटवा कर 1150 रुपए में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल्स करवाने के दावे किए। इस आधार पर उन्होंने चालक सुरेंद्र सिंह को फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा। सुरेंद्र से लैब संचालक ने 1150 रुपए लिए और उसे 900 रुपए की रसीद दी और बाकी कलेक्शन चार्ज बताया। डॉक्टर बुधराम ने बताया कि बिना पीपीई किट पहने सैंपल्स लिए गए। बाद में टीम ने जब मौके पर पहुंचकर पूछताछ की तो लैब संचालक ने बताया कि लियावाली स्थित लैब से सैंपल्स की जांच करवाते हैं। ग्लोबल जो पैथोलॉजी लैब है, इस पे आरटीपीसीआर के जो सैंपल हैं कोविड 19 के लिए, वो 1150 रुपए में किए जाते हैं, जिस पर सिविल सर्जन महोदय ने संज्ञान लेते हुए टीम का गठन किया और इस कार्रवाई हेतु 1150 रुपये भी टीम को टेस्ट हेतु दिए, जिस पर टीम ने अपने विभाग के एक चालक सुरेंद्र सिंह को 1150 रुपये देते हुए यहाँ टेस्ट करवाने के लिए भेजा। यहाँ आके सुरेंद्र से उन्होंने 1150 रुपये लिए, जिसमें 900 रुपये की उन्होंने पर्ची रसीद बना के दे दी और 250 रुपये अपने कलेक्शन चार्जेस के नाम से उन्होंने कहा कि हम ये अपने पास ही रखेंगे। संचालक सैंपलिंग के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। आरटीपीसीआर सैंपल निजी लैब पर 499 रुपए सरकारी रेट है, जबकि लैब संचालक 1150 रुपए ले रहा था और आरटीपीसीआर की जगह ट्रू नॉट जांच कर रहा था।